नमस्कार, मैं वीना शर्मा, विभागाध्यक्ष कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर। आज परमानेंट स्टिचेस के अंतर्गत विप स्टिच बता रही हूँ। इसके लिए एक स्क्वायर शेप का फैब्रिक लिया है, थ्रेड रिंग, निडिल एंड पर नॉट लगा दी गई है। छोटी सीजर थ्रेड कटिंग के लिए, विप स्टिच बताने के लिए मैंने एक स्केच तैयार किया है। किनारे पर हल्का फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से विप स्टिच चारों तरफ बनाए जाएंगे। इसके लिए मैंने स्क्वायर फैब्रिक को लिया है। इसके किनारे पर ये स्टिच कैसे बनाया जाएगा उसको अब मैं निडिल और थ्रेड की सहायता से बताऊंगी। जैसा कि फैब्रिक में ये छोटे धागे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको रोकना भी इस स्टिच के द्वारा संभव है। अब इस विप स्टिच बताने के लिए और फैब्रिक के धागे रोकने के लिए इसको हल्का सा रोल किया है। इसके बाद हैंड निडल की सहायता से अप एंड डाउन रोल करते हुए इस प्रकार से यह स्टिच दिखाई देगी। विप स्टिच लगने के बाद स्क्वायर से फैब्रिक का एक साइड इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। विप स्टिच करते हुए स्क्वायर से फैब्रिक की मैंने एक साइड फिनिश कर दी है। अब आप देख रहे हैं कि इसका कोई धागा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब हम शेष तीनों साइड को भी विप स्टिच के द्वारा फिनिश करेंगे। हल्का राउंड कीजिए, निडिल को अप एंड डाउन फैब्रिक रोल करते हुए इसी प्रकार से सभी साइड को फिनिश कर लेंगे। आप जैसा कि विप स्टिच लगने के बाद में फ्रंट साइड इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। रॉन्ग साइड इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से स्टिच लगाया गया है। इसी प्रकार से शेष बचे हुए किनारे को भी इस स्टिच की सहायता से फिनिश करना है। स्क्वायर फैब्रिक को फिनिश करने के बाद में अब हमें पता लग रहा है कि विप स्टिच के द्वारा किनारे फिनिश हो
होते हैं जो इस प्रकार के रेशे निकल रहे थे पहले, वो अब नहीं निकल रहे हैं। रेशे निकलना इससे बंद हो गया है। गारमेंट या हैंकी के किनारे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। फ्रिल में या कहीं डेकोरेटिव कुछ दिखाना है तो वहां पर भी इस स्टिच को यूज किया जा सकता है। थैंक यू।